परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, फैमिली आईडी में तीसरी बार अपडेट किया था। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपनी फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र में अगर आपने दो बार अपडेट कर ली थी और आपने किसी भी गलती को ठीक करने के लिए तीसरी बार के लिए करेक्शन मॉड्यूल की मदद से अपडेट करने की कोशिश की थी या अपडेट किया था, लेकिन फ्रेंड्स वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन हो या फिर आपका बैंक अकाउंट हो, इनकम हो या फिर आपका ऑक्यूपेशन हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो या फिर आपके अन्य कोई जो आपकी गलती है या आपने कोई डिटेल अपडेट की थी फैमिली आईडी में तीसरी बार, लेकिन फ्रेंड्स वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। इससे संबंधित मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी अपडेट किया है परिवार पहचान पत्र के अंदर तीसरी बार, तो मैं आपको बता दूं कि वो तुरंत अपडेट नहीं होता है। जैसे आपका नाम आपका तुरंत अपडेट हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स जो अन्य डिटेल्स हैं वो तुरंत अपडेट नहीं होती हैं, उन्हें अपडेट होने में समय लगता है। आपकी जो अन्य डिटेल हैं उनकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है अपडेट करने के लिए। आधार अपडेट इसलिए हो जाता है आपका नाम, क्योंकि आपका नाम वेरीफाई होता है आधार कार्ड से, इसलिए वो तुरंत अपडेट हो जाता है, वरना उसे भी अपडेट होने में समय लगता। फ्रेंड्स, जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें चेक किया जाता है और फिर अगर आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो सही पाया जाता है तो आपकी डिटेल अपडेट कर दी जाती है। इसलिए आप चिंता न करें, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली है अपडेट करने के लिए तो वो अपडेट जरूर होगी, लेकिन अपडेट होने में समय लग सकता है। अपडेट होने में आपका 7 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं और महीना भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स आपको वेट तो करना होगा, लेकिन आप चिंता न करें, अपडेट जरूर होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।